अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपको SEO में बैकलिंक्स के बारे में बताऊंगा कि बैकलिंक्स होते क्या हैं और आपकी SEO पर कितने ज़्यादा अच्छा अंदाज होते हैं। बैकलिंक SEO के लिए एक मेन फैक्टर है, SEO का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसके लिए से आपकी वेबसाइट टॉप रैंक पर जाती है। आपकी जी हाई प्रोची वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट तो लिंक कर देते हैं तो इसे हम बैक लिंक कहते हैं। आपकी बैक लिंक आपकी वेबसाइट तो गूगल रैंक पर टॉप में लाने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके जरिए से आपकी वेबसाइट तो एक अच्छा रैंक मिलता है और आपकी वेबसाइट टॉप पर रहती है। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट एक अच्छे रैंक वाली वेबसाइट के साथ लिंक होगी, गूगल जब इंडेक्सिंग करता है करेगा तो वो देखेगा तो एक अच्छी साइट है, एक हाई प्रोची साइट है, उसके साथ ये साइट लिंक कर रही है तो वो आपकी साइट तो टॉप पर ले आएगा। ये आप इस एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं कि एक साइट ए साइट बी से साथ लिंक कर रही है, साइट बी एक हाई प्रोची हाई रैंक वाली साइट है और साइट ए साइट बी से साथ लिंक कर रही है, इसलिए गूगल इंडेक्सिंग जब करेगा तो वो देखेगा कि साइट बी हाई प्रोची हाई रैंक वाली वेबसाइट है जिसके साथ साइट ए लिंक कर रही है तो वो साइट ए तो टॉप पर ले आएगा। जैसे कि आप दूसरी जंपर में देख सकते हैं कि साइट ए के साथ कितनी सारी साइटें लिंक कर रही हैं, गूगल ये भी देखेगा कि ये साइट इसके साथ कितने सारे लिंक इसके साथ कितने सारे लिंक मिले हुए हैं तो वो आपकी साइट तो टॉप पर ले आएगा। तो इसके साथ काफ़ी सारे लिंक जुड़े हुए हैं, ये साइट बहुत अच्छी होगी। अगर आप अपने कंपटीटर से मुकाबला करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पर जितने से ज़्यादा बैक लिंक हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा बैक लिंक करें, इसकी वजह से आपकी साइट हमेशा टॉप रैंक पर रहेगी। और ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिंक हैं जिनसे जो से हाई प्रायोरिटी में शुमार होते हैं। बैकलिंक करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जो लिंक पुराने हैं जो वेबसाइट पुरानी है उन पर बैकलिंक कीजिएगा, जो वेबसाइट न्यू है उन पर बैकलिंक मत कीजिएगा, क्योंकि गूगल देखता है कि पुरानी वेबसाइट होती हैं वो काफ़ी देर से मार्केट में आई होती हैं, उनका रैंक ज़्यादा होता है, जो न्यू आई होती हैं उनका रैंक कम होता है, इसलिए गूगल ज़्यादा रैंक वाली वेबसाइट से लिंक उठाता है। तो इसलिए आप भी पुरानी वेबसाइट पर जाकर बैकलिंक कीजिएगा। जैसा कि इधर मैं एक लिंक खोलता हूँ उस पर आप लोग बैक लिंक करके दिखाता हूँ। ये इधर आ रहा है सबमिट का लिंक, आप फ्री वाले लिंक पर जाइएगा और इधर आके कंटिन्यू कर दीजिए, एग्री कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। टाइटर, आप एक स्ट्रॉन्ग टाइटर जो चाहे आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो, मिसाल तौर पर मेरी मोबाइलों की वेबसाइट है तो मैं लिखूंगा ये मैंने टाइटल इधर लिखे हुए हैं कुछ गेम गेम टाइटल इधर लिखे हुए हैं
आप टाइटल ऐसे कौन टाइटल दीजिएगा जो थे आपकी वेबसाइट को मुकम्मल डिफाइन करता हो। आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दीजिएगा। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, इधर से मैंने कॉपी किया, इधर जाते मैंने पेस्ट कर दिया। और टॉपिक आपकी वेबसाइट किस बारे में है, कंप्यूटिंग के बारे में है, कंप्यूटर भी इधर से जाते आप ये इधर हमारे नहीं मिला एप्पल से जाते थे आप वेबसाइट पर एप्पल से मोबाइल भी मिलते हैं तो आप इधर अपना ईमेल दे दीजिएगा IMSOUL इधर डिस्क्रिप्शन आप अपनी वेबसाइट से बिल्कुल रेलिवेंट दीजिएगा ते जिससे आपकी वेबसाइट मुकम्मल डिफाइन होती हो। कोई इधर उधर की बातें लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी वेबसाइट पर मुकम्मल डिफाइन करना है। और इधर जाते आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, ये आपका लिंक सबमिट हो जाएगा। ध्यान ध्यान से करना।